क्या करना है। हाँ जी, बहुत ही कमाल का लगा ट्रेलर, बहुत ही खूबसूरत है। और ट्रेलर के बारे में कुछ ऐसी बात है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि यार क्या है इसके अंदर, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है एक बैकग्राउंड स्कोर मेंटल हुड का, जो आपको ऐसा लगता है कि यार पता तो करें क्या है। और उसके बाद करिश्मा जी इतने टाइम के बाद आपको दिखेंगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मैं बहुत मेंटल हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मेंटल हम सबको ही होना ज़रूरी है, स्पेशली क्रिएटिव पीपल। जैसे मैं थोड़ा मतलब एक्टर हूँ, राइटर हूँ, मतलब डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, कंपोज भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, तो मैं बहुत पागल हूँ। अगर मैं पागल नहीं होऊंगा ना, तो मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी छोड़ के ये ऐसा काम नहीं चूज़ करूँगा जो दिन रात करते हैं। हम लोग रात रात भर शूट करते हैं, रात रात भर बैठ के गाने लिखते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तो हम सभी इनफैक्ट जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं स्पेशली, वो थोड़े थोड़े मेंटल ज़रूर होते हैं। बहुत ही खूबसूरत था बेपनाह प्यार में, बेपनाह प्यार था, इतना प्यार था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि वो शो रैप अप हो, लेकिन एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, मुझे ना चाहते हुए बाय बाय करना पड़ा। और मुझे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करता, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी आने वाली हैं, बहुत सारी पागलपंती होने वाली है, फिलहाल तो मेंटल लोड आ रही है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस पे फोकस करें और इसको दुनिया की सबसे बड़ी हिट बनाएं। एंड उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज़ दूंगा, मेरा गाना भी बहुत जल्दी आने वाला है। सब अभी बता दूंगा, बताऊंगा, ये बता दिया कि बहुत जल्दी गाना आने वाला है, और वो एक हिंदी सॉन्ग है। इससे पहले पंजाबी ट्रैक था, अब एक हिंदी गाना। बहुत जल्दी, हाँ जी बहुत जल्दी, ये नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू।